43 साल की बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गई हैं। कल देर रात उन्होंने लंदन में बिजनेसमैन गौतम के साथ अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए। कनिका की ये दूसरी शादी है। अपनी शादी पर पिंक कलर के लहंगे में कनिका किसी परी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन इस शादी में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मूवमेंट की हुई तो वो ये था। कनिका के ऊपर चुनरी पकड़े इन लोगों में सबसे आगे जो लड़का चल रहा है वो कनिका का बेटा युवराज है। शायद दुनिया में ऐसा बहुत कम होता होगा जब बच्चे अपनी माँ को दुल्हन बनता हुआ देखें। कनिका के बेटे युवराज, बेटी आयाना और सामना ने अपनी माँ का हाथ अपने नए पापा के हाथ में थमा दिया है। युवराज के चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि अपनी माँ को दुल्हन बनता देख वो कितना खुश है। कनिका का साल 2012 में अपने पहले पति राजचंद्रोक से तलाक हो गया था। तब से कनिका ने अकेले ही अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई। कनिका ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं भर पाती थी। पहली शादी टूट जाने के बाद ही कनिका सिंगर बनी और जब कनिका कामयाब हो गई तो उनके बच्चों ने अपनी माँ की जिम्मेदारी उठाते हुए उनकी दूसरी शादी करा दी है। भले ही कनिका की शादी लंदन में हुई हो, लेकिन इसकी धूम भारत तक में मची हुई है। कनिका के लाखों फैंस इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कनिका और उनके पति गौतम ने शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस शादी पर दोनों ने पानी की तरह पैसा बहाया। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ कितनी भव्य सजावट है। कनिका इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी और कनिका से ज्यादा उनके बच्चे अपनी माँ की शादी को लेकर खुश थे। रिश्ते टूट जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। आज कनिका ने इस कहावत को 100 आने सच कर दिया। कनिका की इस नई जिंदगी के लिए हमारी तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं।